नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयसर के 485 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर एक 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपके रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 45 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बड़ी चॉइस हो सकता है। फिलहाल किसान भाई, आयसर कंपनी जो है 45 हॉर्स पावर की रेंज में अपने दो ट्रैक्टर बनाती है। एक ट्रैक्टर जो आपको सिम्पसन इंजन के साथ मिल जाता है और दूसरा ट्रैक्टर जो है वो आपको आयसर के इंजन के साथ मिल जाता है। तो ये जो ट्रैक्टर है इसमें आपको आयसर का इंजन मिलता है और ये भी 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर चाहिए। अगर आप आयसर के 485 ट्रैक्टर के इंजन को देखें तो इसमें आपको काफी दमदार इंजन दिया गया है। ये ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देता है, एवरेज भी अच्छा देता है। आप इस ट्रैक्टर को रोटावेटर, थ्रेशर, पडलिंग, ढुलाई जैसे कई सारे कामों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो सभी काम काफी अच्छे तरीके से कर सकता है और ये ट्रैक्टर जो आपको काफी कम बजट में मिल जाता है। आयसर कंपनी ने इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया दी है और इसमें आपको कई सारे नए नए एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर जो कीमत तकरीबन 6,60,000 से लेकर 7,00,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत है फिक्स नहीं होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, इस वजह से भी कीमत जो वेरी कर सकती है। मैंने जो आपको कीमत बताई है आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 33.10 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर में आपको आयसर का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2,945 सीसी की पावर जनरेट करता है। और फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 स्टेज ऑयल बार टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम वाला इंजन दिया गया है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बड़े इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है, ये जो इंजन है परफॉर्मेंस काफी अच्छे देता है और काफी दमदार इंजन है। और आयसर कंपनी जो काफी बड़ी इंजन बनाती है, इनके जो इंजन है काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस माने जाते हैं और परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया देते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच टाइप जो चुन सकते हैं। ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कांस्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। और गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट दोनों टाइप की गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर गियर के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया गियर बॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। गियर की शिफ्टिंग वगैरह काफी स्मूथली होती है और ऐसे ट्रैक्टर्स के जो गियर बॉक्स है काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस माने जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। तो ये जो ट्रैक्टर तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 30.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। काफी अच्छी फोर्ड स्पीड जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सील्ड ड्राई डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑलमस ब्रेक देखने को मिल जाता है। फिलहाल किसान भाई, मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपका बजट बढ़िया है तो आप इस ट्रैक्टर को तेल में डूबो जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके साथ लीजिएगा, क्योंकि ऑलमस ब्रेक जो है काफी ज्यादा लो मेंटेनेंस माने जाते हैं और काफी ज्यादा भरोसेमंद भी होते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात कर सकते हैं मैक्स लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 1650 किलोग्राम। इस ट्रैक्टर लिफ्ट में आपको ड्राफ्ट, पोजीशन और रिस्पांस कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक्टर जो लिफ्ट है काफी प्रिसाइसली काम करती है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया दी गई है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। फिलहाल आजकल पावर स्टीयरिंग का जमाना आ गया है तो मेरी सलाह यही रहेगी आप इस ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग के साथ लीजिएगा और इससे कहीं ना कहीं आपके ट्रैक्टर की जो रीसेल वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर फिल्टिंग की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 45 लीटर की फिल्टिंग की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एक 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से फिल्टिंग की कैपेसिटी जो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो ट्रैक्टर एवरेज बढ़िया देता है। एक मिड रेंज वाले ट्रैक्टर के हिसाब से जितना एवरेज होना चाहिए उतना ट्रैक्टर एवरेज देता है। और अगर आप इस ट्रैक्टर को हैवी लोड पर भी इस्तेमाल करेंगे तब भी ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया एवरेज देगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर पीटीओ के बारे में। अगर हम बात कर सकते हैं पीटीओ के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको लाइव 6 स्पिन सॉफ्ट रोलर पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। पीटीओ के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजनरेटेड आरपीएम जो 1944 हो। और पीटीओ के हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 38.3 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बड़ी पीटीओ जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। आप इस ट्रैक्टर पीटीओ के मदद से रोटावेटर, थ्रेशर, सुपर सीडर जैसे कई सारे इंप्लीमेंट जो काफी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीटीओ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और एवरेज भी काफी बढ़िया देता है और यही कारण है ये जो ट्रैक्टर थ्रेशर वगैरह पे काफी ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज के बारे में
तो इस चैप्टर में आपको 6x16 का फैंटास्टिक साइज देखने को मिल जाता है। और इस चैप्टर पिछले टायर के साइज की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको 13.6x28 का पिछले टायर साइज देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 14.9x28 का पिछले टायर साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो किसान भाई मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपको ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है तो आप इस चैप्टर बड़े टायर साइज के साथ लीजिएगा, और अगर आपको ट्रैक्टर नॉर्मल घर के खेती के काम के हिसाब से चाहिए तो आप इस चैप्टर छोटे टायर साइज के साथ भी ले सकते हैं। और जितना बड़ा टायर साइज होगा ट्रैक्टर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जमीन से पकड़ बना के चलेगा और उतना ज़्यादा काम निकालेगा। चलिए हम बात करते हैं चक्र डायमेंशन और वेट के बारे में। अगर हम बात करें चक्र टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 2140 किलोग्राम, ओरो लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3690 mm, ओरो चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1785 mm, ओरो हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2185 mm, व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2005 mm। तो अगर आप इस चक्टर ओरो साइज देखें तो काफी बढ़िया साइज जो है चक्टर का दिया गया है। इस चक्टर में आपको व्हील बेस भी बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिस वजह से ट्रैक्टर जो ढुलाई वगैरह काम में आगे से उठता नहीं, जमीन से पकड़ बना के चलता है। और इस चक्टर का वेट भी अच्छा खासा दिया गया है, 45 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है और इस चक्टर को काफी ज्यादा नफा तोला रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं इस चक्टर वारंटी के बारे में। तो इस चक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देने को मिल जाती है, जो कि एक मिड रेंज वाले ट्रैक्टर के सबसे बढ़िया है। फिलहाल कई सारी कंपनी जो 5-5, 6-6 साल की वारंटी देती है, वो सब एक मार्केटिंग टेक्निक है, आप वो जहाँ से बताइएगा उसमें कहीं ना कहीं आपसे एडवांस पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं। और वैसे ही मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा जो इस चक्टर में निकलेगा, ट्रैक्टर जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो किसान भी इतनी जानकारी आयसर के 485 ट्रैक्टर के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसान भी मेरे हिसाब से अगर आपको एक बढ़िया सा ट्रैक्टर चाहिए जिसकी वजह से आप नॉर्मल खेती का काम काफ़ी आसानी से कर पाए, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगा। ये ट्रैक्टर जो एवरेज काफ़ी बढ़िया देता है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है और काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है, आप इस ट्रैक्टर को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल के समय इतनी जानकारी आयसर के 485 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किसान भी हमने आयसर के बाकी अदर ट्रैक्टर्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।